प्रदेश में दबंगों की दबंगई का हौसला इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे अधिकारियों को भी नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला बिजनौर से आ रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने वन विभाग के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से बरसात कर दी। देखिए इस हमारी रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दबंग लोगों ने वन विभाग कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट की। वहीं वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर के वन विभाग के साथ ये टीम गई थी, जहां मौके पर ये मारपीट हुई है। वहीं वन विभाग की जमीन पर दबंगों द्वारा गेहूं, सरसों, गन्ने की फसल को तैयार कर रहे थे। मना करने पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। वहीं वन कर्मचारियों ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आपको बता दें कि बीएस रावत वन क्षेत्रीय अधिकारी ने 4 नामजद सहित 22 अज्ञात के दबंगों के खिलाफ मामले की तहरीर थामने में दी है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव सुजातपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। सर, आज जो सुजातपुर खाजदर में आपकी टीम के साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला सर? कुछ ग्रामीणों द्वारा जो है बनबाग भूमि में गेहूं और सरसों बोया था, तो उसी के संबंध में गए थे। पुलिस फोर्स मांगी थी 4-5 दिन पहले, तो मना कर दिया फोर्स नहीं हमारे पास जी। फिर अपने ही फोर्स ले गए थे हम वन विभाग कर्मचारी, तो वहाँ वो जमीन कब्जे में ले रहे थे, जिसमें कुछ लोग जो है फिर लाठी डंडों साथ आ गए। कर्मचारी हम मार पीछे गाली गलौज दार भी लिखे थे, उन लोगों ने गाली गलौज करने लग गए और लाठी डंडे चलाना शुरू हो गए। किसी तरह टीम को हम वहाँ से निकाल लाए। कौन कौन अभियुक्त है? अभियुक्त उसमें धीरज सनो वीर सिंह, सुंदर सनो धर्मेंद्र, समरपाल सनो बलवंत, अनिल सनो प्रीतम मुख्य है। और जिसकी चोट है उसका मेडिकल चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है।